तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियोज़ के साथ, जो है कि आदर्श ग्राम पर लेख आपको लिखना है। इससे पहले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया पाटलिपुत्र पर लेख और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते संस्कृत का जिसे हम बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकते हैं, तो आइए उस क्वेश्चंस को हम लोग कॉपी पे करने का कोशिश करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है आदर्श ग्राम। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आदर्श ग्राम। आदर्श ग्राम पे मतलब जो आपके गाँव है इस पर लेख लिखना पड़ता है संस्कृत में। तो कैसे लिखते हैं इन चीज़ों का, तो सबसे पहले अपने आप गाँव का नाम लिखेंगे कैसे। मम ग्रामस्य नाम पहरपुरम ग्राम अस्ति, मतलब आपके जो गांव का नाम है वो आप लिखिए। मैंने यहाँ पे पहरपुर ग्राम लिखा है, वैसे मेरे गांव का नाम माधोपुर दिखा हुआ है, आप यहाँ पे अंकित कीजिए अपना गांव का नाम। मम ग्रामस्य नाम पहरपुर ग्राम अस्ति, ऐसा ग्राम गंगा तटे अवस्थितम अस्ति, मतलब ये जो नदी है गंगा के तट के किनारे अवस्थित है। इस बात को आप लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको पता नहीं है फिर भी लिख सकते हैं कि गंगाया तटे अवस्थितम अस्ति। अस्मिन ग्रामे मध्य विद्यालय उच्च विद्यालय मध्य विद्यालय, ये मध्य विद्यालय उच्च उत्तर माध्यमिक विद्यालय विशाल पुस्तकालय क्रीडी क्षेत्र चौसंती, मतलब यहाँ मध्य विद्यालय है, दूसरा उच्च मध्य विद्यालय है, विशाल पुस्तकालय है, क्रीड क्षेत्र का मतलब खेलने वाला जगह है, चौ का मतलब और संति का मतलब है। ऐसाम ग्राम कृषि प्रधान अस्ति, और ये जो ग्राम है गांव जो है ये कृषि प्रधान गांव है। हमारा जो गांव है कैसा है, कृषि प्रधान है। तो जो जो पॉइंट हमने यहाँ पे बोला आपको पहला पॉइंट में करना है, अपने गाँव का नाम लिखना है। इससे इम्पैक्ट बनता है, जो देखने वाला होता है उसको ये पता चलता है कि आपने वाकई में जेन्युइन सी बात लिखा या फिर छाप दिया है। तो पहले लिखेंगे मम ग्रामस्य नाम पहरपुर ग्राम अस्ति, एषां ग्रामस्य अज्ञात तटे अवस्थितम अस्ति, अस्मिन् ग्रामे मध्य विद्यालय उच्च मध्य विद्यालय विशाल पुस्तकालय क्रीड क्षेत्र च सन्ति, एषां ग्राम कृषि प्रधान अस्ति। उसके बाद क्या लिखना है, एतत्रवा जना विद्युत प्रवाहम आधुनिक संचार व्यवस्थाम यतात साधनानि कृषि कर्मणे यंत्रोपस्कार सदनी चौ जीवने व्यवहारम कुर्वंती, मतलब यहाँ एक एक पॉइंट को समझते हैं कि यहाँ जो विद्युत प्रवाहम का मतलब बिजली, आधुनिक संचार व्यवस्थाम मतलब संचार की जो व्यवस्था हमारे गांव में है, यातायात की जो साधन हमारे यहाँ जैसे बैलगाड़ी फलना छिलना जो पहले चलता था अब वो साधन थोड़ा सा दृढ़ हुआ है, विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक हमारे गाँव में है, इस थोड़ी सी बातों को दर्शाना है। कृषि कर्मणेन यंत्रो पशकार दिने चौ जीवने व्यवहारम कुर्वंती, और कृषि कार्य में ये जो है अपने आप को यंत्र का उपयोग करते हैं, ये व्यवहार में करते हैं। अत्र समाजे समाजस्य अपि सन्ति, यहाँ जो समाज है यहाँ सामाजस्य देखने को मिलता है, शुद्ध जलम निर्मल वायु स्वपरिश्रम उज्जरित अत्रम जननाम चौ परिमिता संख्याम कारणाम एवं ऐसाम ग्राम आदर्श ग्राम अस्ति, और अंतिम में लिख देना है हमारा जो ग्राम है वो कैसा ग्राम है, आदर्श ग्राम है। क्यों लिखना है, क्योंकि आपको आदर्श ग्राम पे लेख लिखना है। फिर से एक बार समझते, पहला आपको इंडिकेट करना है कि अपने गांव का नाम लिख देना है, दूसरा ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, इस बार है या नहीं है वो अलग बात है लेकिन लिख देना। यहाँ विद्यालय में क्रीड क्षेत्र है, विशाल पुस्तकालय में मध्य विद्यालय है, ये जो गाँव है कृषि प्रधान है, दूसरा यहाँ विद्युत का जो है आधुनिक संचार व्यवस्था जो है ये सुदृढ़ है, यातायात साधन भी है, कृषि कर्मणेन यंत्र का उपयोग यहाँ जीवन के व्यवहार में करते हैं, अत्र समाजे समाजस्य अपि अस्ति, मतलब यहाँ समाज में समाजस्य भी है, समाजस्य का मतलब भ्रातृत्व चारा भाईचारा ये जो है, शुद्ध जल का मतलब निर्मल वायु, निर्मल जल हो गया, निर्मल वायु हो गया, स्व परिश्रमन अर्जितम अत्रम जननाम चौपरिमिता संख्याम कारणाम एवं ऐसा ग्राम आदर्श ग्राम अस्ति, और ये सभी होने के बावजूद हमारा जो गाँव है ये कैसा ग्राम है, तो ये जो गाँव है एक आदर्श ग्राम है। तो मिलते फिर नई वीडियोज के साथ और नई उमंगों के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामना।